निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और सभी प्रत्याशियों का भविष्य भी 29 तारीख को वोटिंग मशीन में बंद हो जाएगा। सभी प्रत्याशी मैदान में ताकत झोंके हुए हैं। ऐसे में कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो चुनावी मैदान में क्यों और किस लिए आए हैं ये उन्हें पता ही नहीं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला वार्ड 12 में, जहां निर्दलीय प्रत्याशी पवित्रा राघव से बातचीत के दौरान जब पब्लिक टीवी ने उनसे जाना तो पाया कि प्रत्याशी साहिबा को कुछ पता ही नहीं। पूरी बातचीत उनके पति संजय राघव उन्हें बताते रहे कि क्या कार्यक्रम रहेंगे, क्या समस्याएं हैं और कैसे दूर होंगी। आप भी देखिए इन्हें। देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपके वार्ड के भविष्य का सवाल है। अब आप ही तय करिएगा कि जिससे कुछ पता ही नहीं वो क्या करेगा, और जो 5 मिनट में कुछ बता ही नहीं पा रहा हो वो 5 साल में आपकी आवाज को क्या बुलंद कर पाएगा, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम पहुंचे हैं वार्ड 12 के प्रत्याशी जो निर्दलीय यहाँ खड़े हुए हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि वो चुनाव में किस मुद्दों को लेकर खड़े हैं। पवित्र मैम, चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं, आपने किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने की जो रणनीति बनाई है? हम मौत होती रहती है, फुलना बनना सबसे फुलना बनना मौत होती रहती है, सड़कों की साफ सफाई कराना। ठीक है, आज पहले जो यहाँ पार्षद थे तो क्या लगता है कि उन्होंने कितना विकास कराया है? कोई विकास नहीं, आप खुद देख लीजिएगा, आप खुद देख लो सड़कें कितनी टूटी फूटी हैं सारी। ठीक है, आप जनता के बीच में गई, क्या सहानुभूति मिली आपको? पूरा प्यार मिला हुआ जनता का, जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। और ये ठीक है, बात करें चुनाव के, चुनाव लड़ने का मन आपका क्यों बना? जनता ने पुकारा, जनता ने आगे किया चुनाव लड़ने के लिए, इस चक्कर में चुनाव लड़ रहे। ठीक है, देखो जनता भी जानना चाह रही है कि विकास जो है नहीं हुआ है, और मेन मुद्दा यहाँ रहता है रेलवे क्रॉसिंग का। अगर आप पार्षद प्रत्याशी चुने पहले पार्षद बन जाती हैं, सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? पुल की रहेगी, सड़कों की, पानी की, पुल, पानी, सफाई। ठीक है, और सबसे पहले हम बात करें कि उसके राजनीतिक जो है दबाव भी पड़ता है, और उसके बाद भी जो है बहुत सी बातें सामने आती हैं, तो राजनीति को आप ठीक ढंग से लेना चाहेंगे? वो तो राजनीति को राजनीति के हिसाब से ही लिया जाएगा, राजनीति को राजनीति के हिसाब से ही लिया जाएगा। और